Java Shell, a programmer's bird. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू अगेन। सो फ्रेंड्स, कई बार हमारी जिंदगी में कई रास्ते हमारे सामने आते हैं। कुछ सही होते हैं और मुश्किल होते हैं, कुछ गलत होते हैं और छोटे होते हैं, और कुछ कुछ हमारी किस्मत तय कर देते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चूज करें दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए कि वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट with if-else statement programming today। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको statement के बारे में बताऊंगी। हम अभी तक data type और expression कर चुके हैं। तो data type, जैसे ये आप सामने एक program देख रहे हैं, ये boolean को या int को data type कहेंगे, और game over is equal to true ये हमारा expression है। जबकि ये पूरी line boolean game over is equal to true ये हमारी एक स्टेटमेंट कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह int score is equal to 5000 अगर हम ये ले रहे हैं तो ये पूरी स्टेटमेंट ही कहलाती है। सो अब हो गई बात स्टेटमेंट की। अब हम बात करेंगे इफ else स्टेटमेंट लूप्स की। सो फ्रेंड्स ये रही हमारी जावा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ये करीबन चार तरह की होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले हम इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इफ स्टेटमेंट में हम ये स्टेटमेंट पहले भी कर चुके हैं, और इसके बारे में अब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि देखिए, पहले कंडीशन आती है हमारे आगे, जैसे कि अगर कोई x की वैल्यू ट्रू है तो अगर तो इफ कोड हमारा जो उसके अंदर स्टेटमेंट है वो रन हो जाए, वरना हमारी फॉल्स स्टेटमेंट जो भी इफ स्टेटमेंट के बाहर होएगी वो रन हो जाए। लेट्स सी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक बुलियन लिया है ट्रू, एक हमने इंट स्कोर लिया है 5000, एक हमने int level completed लिया है 5, और bonus लिया है 100। तो अब हम लिखेंगे अगर if score is equal to 5000 तो हमारा ये print out हो जाए। तो ये if statement दिखा रही है कि अगर हमारा ये code है, अगर ये condition true है तो ये run हो जाए। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल condition true है तो ये run हो जाएगी। Let's see the output। फ्रेंड्स, जो इसके नीचे है, जो नीचे के स्टेटमेंट्स होंगी वो भी रन हो जाएंगी, वो भी हम देखेंगे। सी, योर स्कोर इज 5000, ये रन हो चुका है। अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, 4, और अब रन करवाते हैं, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हमारी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अगर इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, रिजल्ट एग्जीक्यूटेड, एंड लेट्स सी कि ये रन होती है फॉल्स कंडीशन में भी। यस फ्रेंड्स, ये रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, ये बाहर, ये आप देख सकते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर है ये हमारी कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट है, ब्लॉक स्टेटमेंट है, और ये बाहर का हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है जो रन हुआ है। अगर ये भी इसके अंदर हो, अगर इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर ही ये लिखा जाए लाइक दिस, तो अब आप रन करके देखें तो ये रन नहीं होगी। सो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड होगा और हमारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी फ्रेंड्स, तो ये रन नहीं होगा। सो अब हम लगाते हैं, अब हम समझते हैं else के बारे में।
ये देखिए फ्रेंड्स, इफ एल्स में क्या होता है, इफ पहले एक कंडीशन आती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी इफ कोड रन होगा, एल्स के अंदर हमारा एल्स का कोड रन होगा, और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद की स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स, इज फॉल्स। ओके, अब अगर हमारा इंट स्कोर 4000 था, सो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट रन नहीं हो रहा है, तो एल्स में हमारा रेस्ट इज फॉल्स, एल्स स्टेटमेंट रन हो रहा है। एंड इफ एनी केस दिस इज ट्रू, तो हमारा एल्स वाला कोड रन नहीं होगा। यू कैन सी हियर, योर स्कोर इज 5000, रिजल्ट एग्जीक्यूटेड। अब हमारा रेस्ट इज फॉल्स नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। दोस्तों, इसका फायदा यही है, कई बार जब हम अपनी रेस्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हम चाहते हैं कि वो तभी हमारे सामने प्रिंट आउट हो जब हमें रिक्वायर्ड हो, इन इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हो तो ये हो, फॉल्स हो तो ये हो। सो इन दैट सिचुएशन ये इफ एल्स लूप हमारी काम आती है। सो अगर इसके बाद हम कोई अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगी रन इन एनी केस, चाहे वो ट्रू हो तो भी रन होगी, फॉल्स हो तो भी रन होगी। आप देखो यहाँ पर ये अब ट्रू है, एंड रिजल्ट्स इन्होंने हमारा वो भी प्रिंट करवा दिया जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है। सो ये बात हो गई इफ एल्स की। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी जावा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। इसमें क्या कंडीशन है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट रन हो जाए, अगर फॉल्स है तो आपकी दूसरी कंडीशन की तरफ स्विच कर जाए और वो वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। अगर फिर भी फॉल्स आता है स्टेटमेंट, तो अगली स्टेटमेंट रन हो जाए, कंडीशन रन हो जाए, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी रन। तो इसे कहते हैं इफ एल्स लैडर, कि एक कंडीशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी कंडीशन में ये स्विच होता रहता है कंडीशन। एंड आप अब हम इसे कोड के थ्रू समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर इज अ कोड। पहले हम लिखेंगे कि इफ स्कोर इज लेस देन 4000, एंड ये हमने पहले भी किया है ये कंडीशन के, एंड जब दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो तो ही ये रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सो हमारी ये कंडीशन है कि 4000 से स्मॉल भी हो और 1000 के बिग हो, तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। सो लेट्स सी। और एल्स इफ, इसके अंदर हमने दूसरी कंडीशन रख दी है इसके आगे, कि अगर ये नहीं होता है तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चला जाए, कि अगर स्कोर लेस देन 1000 है तो ये हो जाए, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारा रिजल्ट इज फॉल्स आ जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा स्कोर 4000 है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। क्यों? क्योंकि ये 4000 लेस मांग रहा था और ये 1000 से भी लेस, तो हमारा ये ही रन होगा। लेट्स सी। सी रिजल्ट इज फॉल्स, हमारा एल्स स्टेटमेंट रन हो गया और रिजल्ट जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट उसमें रन हो गई। अब हम इधर 800 लिखकर देखते हैं एंड वी ट्राई टू रन। रिजल्ट एग्जीक्यूटेड 2, जो कि ये है हमारी सेकेंड कंडीशन रन हो रही है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो ये रही इसकी बात। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं सबको और एक नया कोड लिखते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आप चाहें तो ये सारा कमेंट कर सकते हैं विद दिस। यहाँ पर कोड में जाएंगे आप एंड यू विल कमेंट। सी ये सारी स्टेटमेंट्स हमारी कमेंट हो गई है, हमारा कोड कहीं खोया भी नहीं। अब हम लिखते हैं इफ गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू तो एक स्टेटमेंट रन हो जो कि है इंट फाइनल स्कोर जो इज इक्वल टू हो जाए हमारा, हमने स्कोर क्या लिया है, स्कोर प्लस लेवल कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय बोनस। और आप अब इसे प्रिंट करवा देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगर हम चाहें, अगर हमें ये फाइनल स्कोर की जरूरत बाहर हो स्टेटमेंट के बाहर, तो लेट्स सी क्या अब हम इसे यूज कर सकते हैं। सपोज हम इन फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, इज इक्वल टू फाइनल स्कोर प्लस वन। तो ये देखिए यहाँ पर रेड कलर आ चुका है, इसका मतलब यही है कि जो वेरिएबल्स हम एक इफ लूप के अंदर बनाते हैं वो वहीं के वहीं इसके डाटा में खत्म हो जाते हैं। यू कैनॉट री यूज द वेरिएबल इन विच इज क्रिएटेड इन साइड द इफ लूप्स और एनी मेथड लाइक दिस। तो इसीलिए हम इसे बाहर नहीं यूज कर सकते, इसे हमें अंदर ही यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज इट इनसाइड। अब हम यूज कर सकते हैं इसे इंट लेट इट बी एक्स इज इक्वल टू फाइनल स्कोर प्लस वन। तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हम उसे विद इन द लूप हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, स्कोप। ये स्कोप कहलाता है और इसका बेसिकली मतलब यही है कि हम जो भी वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द लूप वी हैव टू यूज इट इनसाइड इट और इसे स्कोप ऑफ द लूप कहेंगे। एंड इसकी जरूरत हमें रेस्ट ऑफ द आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर पड़ेगी। इट्स अ वेरी गुड टर्म एंड नाउ विल डिस्कस द अनदर टर्म। सो गाइस दिस इज द लास्ट वन, जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि पहले एक कंडीशन मिलती है, अगर वो ट्रू है तो वो इफ कोड रन कर देती है, उसके अंदर फर्दर एक कंडीशन होती है, अगर वो भी ट्रू है तो उसके अंदर जो उसकी फर्दर स्टेटमेंट है तो वो रन हो जाती है, अगर वो फॉल्स है तो आफ्टर इफ में चली जाती है या एल्स में चली जाती है, और अगर ये फॉल्स है तो आफ्टर इफ में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कि
ये इफ ही कंडीशंस हैं और एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन प्रेजेंट है, इफ दैट इज ट्रू तो वो एग्जीक्यूट हो जाए. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द कोड. हम यहीं पर एक और क्लास ले लेते हैं. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यहाँ सोर्स से एक और क्लास भी बना सकते हैं. मैंने शुरू की अपनी क्लासेस में बताया था. हम एक जावा क्लास बना रहे हैं जिसका नाम लेंगे हम नेस्टेड. बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, पब्लिक स्टैटिक. आई होप अब तक आपको ये याद हो गया होगा. And arcs and curly braces start. So ये हमारा कोड है दोस्तों, जो बता रहा है कि कैसे करना है हमने ये. तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर एक एज लिया है 20 और वेट लिया है 80. अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 है तो ये लूप अगली कंडीशन में चली जाए, जैसे कि ये वेट में चली गई है. और फिर मैंने यहाँ पर इफ में एक न्यू कंडीशन लिख दी है कि इफ वेट इज ग्रेटर देन 50 तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाए. सो ये बेसिकली नेस्टेड इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ये हमारे सिंटेक्स को शो कर रहा है नेस्टेड इफ को. एंड दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करेंगे. एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय ट्यूटोरियल्स टू गेट मोर न्यू अपडेट्स. बाय बाय, सी यू सून. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.